किसान सभा के राष्ट्रीय नेता कामेंद्र सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संजय जी चौधरी, किसान सभा के नेता साथी निर्मल प्रजापत और तमाम मंचस्थ नेतागण और विभिन्न गांवों ढाणियों से आए हुए किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनवादी नौजवान सभा की राज्य कमेटी की तरफ से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आपको बधाई देता हूं कि आपने क्रॉप कटिंग के सवाल पर, बीमा क्लेम के सवाल पर जो लड़ाई लगातार पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, न केवल लड़ रहे हैं बल्कि आप चाहे सरकार वसुंधरा की हो चाहे सरकार गहलोत की हो, दोनों सरकारों का टेटा दबा करके आपने बीमा क्लेम लेने का काम किया है। इसके लिए आपको भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे देश और प्रदेश में जो सरकारें काम कर रही हैं, मैं विशेष रूप से नौजवानों के रोजगार की बात करूंगा। बीमा क्लेम के बारे में उनको बड़ो ज्यादा ब्यूरो नहीं है, बीमा क्लेम का मैं तो खा के नहीं सुना और मानबड़ो ज्यादा ध्यान है नहीं, इसलिए बीमा क्लेम पर मैं बात बोली बंद करूँ। नौजवान के रोजगार पर मोदी जी 2014 में आई तो सरकार में आया, चुनाव में वादो करो हर साल 2 करोड़ नौजवानों ने रोजगार दिया। मोदी जी को एक खास विशेषता है कि कल विश्व एकदम उल्टी करे, 2 करोड़ में रोजगार देने को वादो करो और रोजगार छीनने को वादो कर दे। मोटो जी को उदाहरण है, रोजगार छीनने को रेलवे में इसकी सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे को मिलती, रेलवे बेचन नागरी, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, BSNL बेच दियो, शिक्षा बेचन लाग रही, सब चीज बेच दी तो अपन रोजगार अपना नौजवान मिलेगा। अभी रही खेल में सबसे ज्यादा रोजगार अपने इलाके का भाई सेना के अंदर भर्ती में जाता, बिना भी मोदी जी बेच दी। अग्निवीर योजना नाम से एक योजना लेके आए ही और भी 4 साल की नौकरी दीगा सेना का भाई। न केवल रोजगार को छीनने का काम किया है बल्कि हमारी देश की संप्रभुता के साथ को भी बेचने का काम किया मोदी जी के कहीं जैसे शुक्रिया राष्ट्रभक्त मैं यहाँ सेना को बेचने का काम किया। अंतर के जो मगा भगत का समर्थ की आंधा भगत का मैं जगह लोग तो कहेंगे 4 साल में 10 लाख रुपए मिलसी कितनी बढ़िया योजना है, पर मूर्खानो करो बनेगा तो 4 साल में 10 लाख मिलसी तो फिर बाप पूरी 60 साल करके आते कत्ता मिलसी भी कोई साल तो बता भी कोई साल बोलिए। इसलिए नौजवान के रोजगार को बर्बाद करने का काम हमारे देश की सरकार कर रही है। अरे गणो चुखो गहलोत जी भी को नहीं, इसी नौकरी गहलोत जी ने की आग्रह है, एक भी परीक्षा साप्ती गहलोत सरकार बनाया बाद में साप्ती कराई बोली है। आप सच भी परीक्षा को कहने जावे वो बस में बैठे को नहीं क्यों बना समझाना जाए पेपर गयो। इसलिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि बीमा क्लेम के सगे सगे आपने नौजवान को रोजगार भी बचाए, ऐसे की दोनों पार्टियां गहलोत और मोदी की जी पार्टियां हैं, राजनीतिक जी की पार्टियां हैं, देश और प्रदेश की जी सरकारें हैं, उनके खिलाफ बीमा क्लेम के साथ साथ इस रोजगार को और शिक्षा को और हमारे समाज को बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे और इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने का काम करेंगे, उनको सही लाइन पकड़ने का काम करेंगे। आने वाले समय में जब भी हमें मौका मिले ऐसे लोगों को हम विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर भेजें जो आपके और हमारे हक और हकों की लड़ाई लड़े और इस शिक्षा और रोजगार को बचाने का काम करें। धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।